वड़ा पाव गर्ल से आंटी हुई नाराज। एक आंटी है जो कहती है कि मैंने बुरे वक्त में वड़ा पाव गर्ल को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। आपको मैं आगे वीडियो क्लिप भी डालने वाली हूँ कि उन आंटी ने साफ साफ अपने शब्दों में क्या बोला है वड़ा पाव गर्ल के बारे में। आप सब जानते हैं वड़ा पाव गर्ल यानी कि चंद्रिका दीक्षित कौन है, जो कि एक स्टॉल लगाती है दिल्ली में और जो कॉन्ट्रोवर्सीज को कर करके, लड़ाई झगड़े कर करके गवर्नमेंट जेल तक जा चुकी है। अब वो बिग बॉस में एंट्री पा चुकी हैं। तो फाइनली उनके बिग बॉस में जाने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनके बारे में बोली जा रही हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता श्रुत रिएक्शन। यहाँ पे हम आपके फेवरेट ब्लॉगर्स और ट्रेंडिंग कॉन्ट्रोवर्सीज के रिएक्शंस लेकर आते रहते हैं। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना। जैसे कि आप सब जानते हैं कि वड़ा पाव गर्ल आए दिन अपने ही हरकतों की वजह से, लड़ाई झगड़ों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रही हैं। आए दिन कोई भी कैमरामैन जाके उनको कवर अप करके ले आता था, कुछ लोग उनको देखने जाते थे कि वो इतनी खूबसूरत है और स्टॉल लगा रही हैं। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं था कि वो मैरिड भी हैं। उनके हस्बैंड वो और उनकी सास हुआ करती थी वहां पे और जम के लड़ाई झगड़े करती थी। अगल बगल वाले जितने भी स्टॉल्स के लोग थे सब उनसे परेशान थे क्योंकि उनके स्टॉल की वजह से उन लोगों की बिक्री नहीं होती थी। और इन्हीं सब की वजहों से बिग बॉस ने फाइनली उनको टिकट दिया बिग बॉस के घर में जाने के लिए। और इन्हीं सारी वजहों की वजह से मैडम को अपना दुकान खोलना पड़ा था क्योंकि वो ऐसी थी कि वो स्टॉल लगाती थी पर उनके पास पैसे भर भर के आ रहे थे, तरह तरह के प्रमोशंस जा जाके कर रही थी। 23,000-32,000 का माइक लगा लगा के मैडम बात करती थी जो कि कहां से आते थे। एक स्टॉल और ठेले लगा के तो मिल नहीं सकते हैं, प्रमोशंस कर करके इतने पैसे आते थे और फिर भी वो ठेला लगाती थी। और जब उनको बोला जाता था कि तुम दुकान खोल सकती हो, टैक्स भरो, बिजली बिल भरो, तो कहती थी कि मुझे नहीं करना है। तो यही सारी वजहों की वजह से फाइनली अपने बेटे के जन्मदिन पे वो जेल जा चुकी थी। जैसे कि अब सबको पता है बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए जिसकी वजह से पुलिस उनको पकड़ के जेल में ले जा चुकी थी। उसके बाद से उन्होंने अपना दुकान खोला लेकिन कहा जा रहा है कि उनका दुकान वहां पे नहीं चल रहा है, यहीं पे उनका ठेला चलता था। जैसे ही उन्होंने दुकान किया वहां पे जाने लगी वैसे ही उनका दुकान जो है वो ठप हो रहा है। कुछ टाइम के लिए वो गायब हो गई थी तो लोगों को लग रहा था कि पता नहीं कहाँ चली गई, इनका सारा स्टॉल गया, अब तो ये अपना दुकान बंद कर देंगी। लेकिन बाद में पता चला कि वो तो बिग बॉस में गई हुई हैं। उनके पीछे एक आंटी ने बताया कि वहीं पे वो भी उनके साथ में ठेला लगाती थी। उन आंटी के क्लिप्स भी आप देख सकते हैं। उन्होंने बोला कि मैंने उनका साथ दिया था, सबसे पहले मैं गई थी वहां पे उनको सपोर्ट करने के लिए जब भी उनकी कॉन्ट्रोवर्सीज होती थी। लेकिन जब उनकी दुकान की ओपनिंग हुई, शॉप ओपन किया वड़ा पाव गर्ल ने, तो उन्होंने आंटी को ही इनवाइट नहीं किया। मतलब जिसने बुरे समय में साथ दिया इनवाइट नहीं किया उन्होंने मुझे। आंटी को इस बात का बहुत हर्ट हुआ है, बहुत ही ज्यादा हर्ट हुई है आंटी। और वो भी कह रही है कि कोई बात नहीं, ये मेरी ड्यूटी थी। मैंने बोला भी है कि सबसे पहले स्ट्रीट वेंडर एज अ लेडी मैं थी जो उनके साथ खड़ी थी और उनको सपोर्ट करेगी मैम। लेकिन चलो ये उनकी सोच है, उन्होंने ओपनिंग में बुलाना जरूरी नहीं समझा। उनका साथ देते उनको अच्छे वक्त में भूल जाते हैं लोग। कोई बात नहीं, आपने अपना पद निभाया और आप आंटी से भी खुश है कि मेरा काम था, मैंने अपना पद निभाया, मुझे सपोर्ट करना था। कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे एज अ लेडी ना, अगर सिर्फ चंद्रिका ही नहीं है। तो जैसे कि आप सबने देखा कि आंटी कितना ज्यादा नाराज है चंद्रिका दीक्षित से। और आई होप बिग बॉस के अंदर भी चंद्रिका दीक्षित कुछ धमाल ही मचाने वाली हैं क्योंकि सबसे ज्यादा मैंने उनको लड़ते हुए देखा है और ऐसे ही बिग बॉस के हाउस में लोगों की जरूरत है। तो देखते हैं कि अब वहां पे जाके वो किससे कॉन्ट्रोवर्सी करने वाली हैं। फिलहाल एक एपिसोड आ चुका है जिसके बारे में हम बात करेंगे आज। दिल थाम के बैठे रहिए। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना।